नमस्कार, मैं सारिका श्रीवास्तव, स्वागत है आपका INN 24 में। बढ़ते हैं महाराष्ट्र की खबरों की ओर। मुंबई में हुई राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अल्पसंख्यक मंत्री नवाब मलिक की गिरफ्तारी के विरोध में आज राष्ट्रवादी कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग ने तो वही गिरफ्तारी के पक्ष में भाजपा ने आंदोलन किए। भाजपा ने मांग की कि नवाब मलिक का मंत्री पद से इस्तीफा लेना चाहिए, तो वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस ने गिरफ्तारी के विरोध में जिलाधिकारी कार्यालय के सामने जमकर नारेबाजी करते हुए राष्ट्रपति को जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन सौंपा और तुरंत रिहाई की मांग की। यदि रिहाई नहीं की जाती तो वह आंदोलन उग्र करेंगे, ऐसी जानकारी राष्ट्रवादी कांग्रेस की ओर से दी गई। अभी हालात ऐसे देश के हो चुके हैं कि हमारी जुडिशरी भी दबाव तंत्र में है। निवाड़ी को आज सरकार जो है ये हरकतें कर रही है, ये हम उसका निषेध करते हैं और हमने हमारी गुहार लगाई है। हमारी मांग ये है कि ये फर्जी जो मुकदमे जो दाखिल हो रहे हैं, जैसा अनिल बाबू देशमुख पर हो गए, जैसा नवाब मलिक साहब पर हो गए, ये दिल्ली की सरकार ये कार्रवाइयाँ सब बंद करे और विकास की तरफ ध्यान दे। पूरे महाराष्ट्र में हम आंदोलन करेंगे, हम खामोश बैठने वाले नहीं है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इसका पूरा जो है हम इसका आंदोलन करेंगे और हम रोड पर उतरेंगे।